हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला अफगानिस्तान अंडर 19 वर्सेज बांग्लादेश अंडर 19 मैच के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 23 आवर्स है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो कल शाम को 4:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया। दोस्तों, इस तीनों अकाउंट को आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देकर ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1400 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं। जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हो सब लॉसेस को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने फाइनल टीम के नीचे मैं 3 लिंक प्रोवाइड कर दोस्तों। एक है माई मास्टर 11, दूसरा कुबेरा और तीसरा विजन 11। तीनों आप कमाल कैप दोस्तों। तीनों में लो कॉम्पिटिशन होता है। तीनों में 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। तीनों आप कमाल कैप है दोस्तों। पहला वाला दोस्तों माई मास्टर 11 का लिंक। माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों। इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। कमाल कैप है दोस्तों माय मास्टर का लिंक है दोस्तों। क्लिक करते हैं, सो हो जाएगा, तुरंत डाउनलोड कर लेना। 100% माय मास्टर मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। और दूसरा वाला दोस्तों कुबेरा। कुबेरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कुबेरा में अगर आप डीयू होगा टीम में खेलेंगे तो आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है। मैं आपको इसी तरह एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में डीयू होगा टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। कुबेरा का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जाएगा, तुरंत डाउनलोड कर लेना। और तीसरा वाला सब विजन 11 के बारे में आप सब लोग जानते हैं। विजन 11 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल कैप है दोस्तों विजन 11 का लिंक है दोस्तों। क्लिक करते सो जाएगा, तुरंत डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, मैं तीनों आप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ। आपको भी तीनों आप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ। तुरंत लिंक से तीनों आपको डाउनलोड कर लीजिए। आप 100% तीनों आप में मनी इजीली सेंड करेंगे। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैं 2 विकेट कीपर को पिक कर रहा हूँ, उसे एन साहक और ये रहमान को। पूरा मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया है। दोनों विकेट कीपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। अब दोनों को 100% पिक कर लेना। ये दोनों विकेट कीपर का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, दोनों विकेट कीपर का स्टैट्स देखते हैं। ये दोनों विकेट कीपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। दोनों विकेट कीपर का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। साहा ने लास्ट मैच में 109 बॉल्स पर 116 रन मारे। साहा ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया। और ये रहमान के बारे में बात करते हैं। ये रहमान ने लास्ट में 65 बॉल्स पर 30 रन मारे। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया। दोनों विकेट कीपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। ये दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लें। दोनों विकेट कीपर ने लास्ट में कमाल का बैटिंग किया। ये दोनों विकेट कीपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। अब दोनों को 100% पिक कर लेना। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैं बैट्समैन पिक करूंगा जे अलम को दोस्तों, मोहम्मद हारून को दोस्तों, सोहेल खान को। पूरा मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया। तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो चलिए दोस्तों, तीनों बैट्समैन का स्टैट्स देखते हैं। ये तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। तीनों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो तीनों बैट्समैन ने लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया। सो ये तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। तीनों को 100% पिक कर लेना। जे अलम का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो अलम ने लास्ट मैच 32 बॉल्स पर 62 रन मारे। सो और एक ओवर डाल के 0 विकेट दोस्तों। अलम को लास्ट मैच विकेट तो नहीं मिला लेकिन बैटिंग कमाल का किया। और मोहम्मद हारून के बारे में बात की तो मोहम्मद हारून ने लास्ट मैच 41 बॉल्स पर 56 रन मारे। मोहम्मद हारून ने भी लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया। और सोहेल खान के बारे में बात करें, सोहेल खान ने लास्ट मैच 71 बॉल्स पर 52 रन मारे। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक किया। तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक कर लिया। तीनों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दियो। ये तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर पिक कर किया होटेक को दोस्तों, और ये इस्लाम को, और ये आमिन को दोस्तों। पूरा मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया। तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो चलिए दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर का स्टैट्स देखते हैं। ये तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करिए तो कामरान होटक के बारे में बात करिए तो कामरान होटक ने लास्ट में 19 गेंदों में 13 रन मारे दोस्तों, और 8 ओवर 3 गेंद डाल के 2 विकेट लिया था। बैटिंग तो कमाल का किया दोस्तों कामरान, सॉरी दोस्तों बॉलिंग तो कमाल का किया कामरान होटक ने। और ये इस्लाम के बारे में बात करते, इस्लाम ने लास्ट मैच में 45 बॉल्स पर 22 रन मारे, 3 ओवर डाल के 0 विकेट तो नहीं मिला लेकिन बैटिंग कमाल का किया था।
और ए आमिन के बारे में बात करते हैं, ए आमिन ने लास्ट मैच में, ए आमिन को लास्ट में बॉलिंग में तो चांस नहीं मिला लेकिन बैटिंग कमाल का किया था, 80 बॉल्स पर 44 रन मारे। मैंने ऑलराउंडर में तीन ऑलराउंडर को पिक किया, तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब तीनों ऑलराउंडर को 100% पिक कर लें, तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने ऑलराउंडर में तीन ऑलराउंडर को पिक किया, तीनों ऑलराउंडर का स्टैट्स भी बता दिया। ये तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, सब तीनों को 100% पिक करना। अब बोलर्स, बोलर्स में देखा जाए तो मैं कलीम अहमद को पिक करूँगा, सब बी अहमद को और डोली बारूसान को। दोस्तों पूरा मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, सब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की, तो चलिए दोस्तों तीनों बॉलर्स का स्टैट्स देखते हैं। ये तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते, कलील अहमद ने लास्ट मैच 10 ओवर डाल के 100 विकेट। कलील अहमद को लास्ट मैच विकेट तो नहीं मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और बी अहमद के बारे में बात करते, बी अहमद ने लास्ट मैच कमाल का बॉलिंग किया, 10 ओवर डाल के 7 विकेट लिया था। बी अहमद ने लास्ट मैच कमाल का बॉलिंग किया, 10 ओवर डाल के 7 विकेट लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और डोली बारूसाना के बारे में बात करते, लास्ट मैच 10 ओवर डाल के 3 विकेट लिया। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स को 100% पिक करना। ये तीनों बॉलर्स ने लास्ट मैच कमाल का बोलिंग किया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, अब ये तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैं 2 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैं 3 बैट्समैन को पिक किया, और ऑलराउंडर में देखा जाए मैं 3 ऑलराउंडर को पिक किया, और बॉलर्स में देखा जाए मैं 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, 11 प्लेयर्स का स्टैट्स भी बता दियो। 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा, मैंने कप्तान में बनाऊंगा दोस्तों जे अलम को, और वाइस कप्तान में के होटक को। दोस्तों आप कलीम अहमद को भी वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हो, बी अहमद को भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, दोनों बॉलर कमाल का बॉलिंग करते हैं। दोस्तों मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों, एन साहा को और ए रहमान को, और बैट्समैन में देखा जाए मैं 3 बैट्समैन को पिक किया, जे आलम को दोस्तों, मोहम्मद हारून को, सोहेल खान को, और ऑलराउंडर्स में देखा जाए मैं 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, के होटक और ए इस्लाम को दोस्तों, और ए आमिन को, और बॉलर्स में देखा जाए मैं 3 बॉलर्स को पिक किया, कलील अहमद, बी अहमद और आर डोली बरसुन्ना को। मैंने कप्तान में बनाया दोस्तों जे आलम को, और वाइस कप्तान में के होटक को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप सुनने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।